हेलो, सत श्री अकाल जी सारियां नूं। इह पार्ट 2 है वीडियो दा। इस च असीं नैक्सट 20 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मैथ सैक्शन दे, पीएस टेट अगस्त 2014 दा पेपर 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 101। इफ 5/8 ऑफ अ क्लासरूम इज फुल विद स्टूडेंट्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ क्लासरूम इज फुल। देखो सिंपल जी गल कह रहे हैं, वह सिंपल जी गल कह रहे हैं कि 5/8 नूं चेंज करो परसेंटेज विच। ठीक है, एक तुसी रूल हमेशा याद रखो मैथ्स च, अगर असी कभी भी किसी फ्रैक्शन नूं किसी नंबर नूं चेंज करना है परसेंटेज, दैन सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा एक होर गल, अगर सानूं परसेंटेज दिती हुई है एंड वी वॉन्ट टू चेंज इन टू फ्रैक्शन, असी उहदी फ्रैक्शन बनानी हो गए या फिर उहदा नंबर सिंपल बनाना हो गए डेसिमल कुछ भी, तां की करदे असी डिवाइड करदे हां 100 नाल। सिंपली की करना है, 5/8 नूं मल्टीप्लाई करना है 100 नाल। कटिंग कर दो 4 नाल, 4 टू द 8 ले आ जाएगा 25, 5 दा हो गया 125 बाय 2, कटिंग करके आ जाएगा 62.5%। ओके, ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी क्वेश्चन। इधर विच तो 5 सेकंड्स ही लगे, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना सी। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 102। व्हाट इज डिनोमिनेटर ऑफ अ होल नंबर। सब तो पहली गल, होल नंबर्स की हुंदे ने। होल नंबर नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जेडे नंबर जीरो तो स्टार्ट हुंदे हैं असीं उन्हां नूं कहंदे हैं होल नंबर। जीरो, वन, टू एंड सोन अप टू इनफिनिटी। नैगेटिव नंबर्स की गल नहीं करते असीं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो टू लेके इनफिनिटी तक सारे नंबर होल नंबर हुंदे हैं। कहिंदे जिहड़ा हुण सपोज करो टू ले लैंदे हैं, टू एक होल नंबर है, उह पुछ रहे हैं कि इहदा डिनोमिनेटर की है, इसके नीचे की लग्या होया, कुछ भी नहीं, मतलब वन है ऑब्वियसली। ठीक है, नीचे की है डिनोमिनेटर पुछ रहे हैं, तो ऑप्शन की हो गया था बी। तुसीं कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, 5 ले लो, कोई नंबर ले लो, 1 लाख नंबर ले लो, 1 लाख ले लो, है ना, कोई भी नंबर तुसी ले सकते हो। ठीक है, सब नीचे क्या है डिनोमिनेटर, मेरा क्या है 1 ही है, क्योंकि 2/2/1 इज इक्वल टू 2 ही है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं होया मैं लिखता या फिर मैं लिखता। ठीक है, 2/1 कहने को देखने में एक रैशनल नंबर लग रहा है ना, एक फ्रैक्शन लग रही है देखने लिए, है ना। सो एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि असं उसको पी बाय क्यू फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा क्यू क्या है, क्यू इज ऑलवेज 1। ठीक है, हरेक होल नंबर का डिनोमिनेटर की होंगे 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। और पूछे कि दसो इन्हें चो कि ट्रू है, सब दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। ठीक है, असं चेक करना इन्हें चो कि ट्रू है और कि फॉल्स है, फिर क्या दोनों ट्रू हो सकती है। ओके, सो पहली स्टेटमेंट की है, एवरी पॉलीनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। देखो तुहानू दो चीज़ें समझनी जरूरी है कि पॉलीनोमियल की हुंदा है ते रैशनल एक्सप्रेशन की हुंदा है। ठीक है, मैनी ऑफ यू मे नो कि पॉलीनोमियल की है, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल की हुंदा है। देखो इस तरह आपां लिख सकते पॉलीनोमियल नूं, एक हुंदा जे कॉन्सटेंट टर्म ए नोट कह दिंदे आ। ठीक है, एक उहदे विच कुछ एक्स दी पावर्स हुंदी आ। ठीक है, एक्स दी पावर 1 होवे, मतलब कुछ ही हो सकता है, एक्स दी पावर्स विच कोई टर्म्स होण आपां नूं कहंदे पॉलीनोमियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर लगा लो, ए टू कोई होर कॉन्सटेंट है, मतलब कि ए टू ए वाले कोएफिशिएंट्स है, एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है ना, एक्स एन वी पावर हो सकती है। ये मैं एक जनरल इक्वेशन जी लिखी जी, जो पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, एन है। डिग्री की होंगे, डिग्री से कहते हैं अपने कोफिशिएंट, अपने वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जो मेरा कोफिशिएंट मेरा वेरिएबल होगा एक्स है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है एन, तो मेरी डिग्री होंगी है। हम देखो पॉलीनोमियल बारे और की जानकारी है, एक होंगी जीरो पॉलीनोमियल, एक की होंगी जीरो पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री की हो, मतलब कि जिसकी डिग्री की हो, डिग्री डिग्री उसकी कितनी होंगी है, इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि जिस विच कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब जिम्मे एक्स वाई जेड कोई है नहीं, जिम्मे कि 1 2 लगा लो, 1 भी एक पॉलीनोमियल है। ठीक है, 1 सिंपल 1 हो गया, 1 भी पॉलीनोमियल है, क्योंकि एक्स नहीं है, तो एक्स की डिग्री कितनी है, एक्स की पावर कितनी है जीरो, तो इसलिए असं 1 नूं की बोल सकते हैं जीरो पॉलीनोमियल। एवं सारे के सारे कॉन्सटेंट, ठीक है ना, ऑल कॉन्सटेंट्स मैं लिख देती हूँ, ठीक है, All constants, ठीक है ना, आर जीरो पॉलीनोमियल। ठीक है, सारे कॉन्सटेंट में जीरो पॉलीनोमियल बोल सकते हैं। ओके, उस तो बाद हम एक और होंगे लीनियर, एक होंगे लीनियर पॉलीनोमियल। लीनियर मतलब की होंगे जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 डिग्री की हो, 1 जिमें कि फॉर एग्जाम्पल एक्स ले लो, ठीक है, कला एक्स प्लस 2 ले लो, चलो ना, ये मेरी पॉलीनोमियल है जिस डिग्री मेरी कितनी है 1, मतलब कि एक्स की पावर कितनी है 1, तो यह की हो गया लीनियर पॉलीनोमियल। ऐसा ही बहुत सारिया होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पावर, जो पावर बदल जाती है तो नाम भी पर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इतना गल होगी सिर्फ पॉलीनोमियल्स बारे। और नेक्स्ट टर्म सी मेरा रैशनल एक्सप्रेशन।
ठीक है, वट डू मीन बाय रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रैशन, ठीक है, इसको कई बार रैशनल फंक्शन भी बोलते हैं। इहदे विच की हुंदा है कि असी दो पॉलीनोमियल्स नूं डिवाइड करदे हां, मतलब कि उपर भी पॉलीनोमियल ले लो पी एक्स, नीचे भी पॉलीनोमियल ले लो क्यू एक्स, अगर अपन उन्हें डिवाइड कर दिए तो असी इस नूं की कहंदे हां, रैशनल एक्सप्रैशन कहंदे हां। ओके, हुण क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन च बोल रहे हैं कि एवरी पॉलीनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रैशन, कि हरेक पॉलीनोमियल एक रैशनल एक्सप्रैशन हुंदी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पॉलीनोमियल ले लां टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले लो है ना, एक्स प्लस वन एक पॉलीनोमियल ले ली, कहते यह जो पॉलीनोमियल है यह एक रैशनल एक्सपेंशन है, यह सच है कि नहीं, ठीक है। जो मान लो कि मैं पॉलीनोमियल ले लिया है पी एक्स ले लिया मैं, ठीक है, मेरी पॉलीनोमियल है, क्या ए या ए पूरी चीज इस तरह की लग सकती है? हाँ जी लग सकती है, क्यों? अगर मैं इसे सबसे वन ले लाँ जिम्मे से पिछले क्वेश्चन से किया, नीचे अगर मैं वन ले लाँ कोई फर्क तो पाएगा नहीं, क्योंकि बनना डिवाइड करें तो सेम ही मेरा आंसर आएगा, है ना। तो अगर मैं अगर अभी पढ़ चुके हैं कि वन भी एक पॉलीनोमियल है, वन इज ऑल्सो पॉलीनोमियल, वन मेरी एक जीरो पॉलीनोमियल है, तो ऊपर मेरा पी एक्स क्या हो गया, ए सब कुछ, क्यू एक्स मेरा की हो गया वन, है ना, तेनों डिवाइड भी कर डिवाइड दी फॉर्म च आ गया, तो दिस इज द रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। सो व्हाट कैन वी से कि हर एक पॉलीनोमियल एवरी पॉलीनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, सो आह वाली गलत है बिल्कुल ठीक होगी। ओके नाउ लेट अस चेक कि जो पार्ट टू है वह टू है कि फॉल्स है। ओके सो कह रहे हैं कि एवरी रैशनल एक्सप्रेशन इज पॉलीनोमियल, कि क्या हर एक रैशनल एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल होता है कि नहीं होता, ठीक है। उसके लिए मेरे को एक काउंटर एग्जाम्पल है, कि है एक काउंटर एग्जाम्पल कि ये फॉल्स होता है, ठीक है, दिस इज फॉल्स, और क्यों, ठीक है। देखो अगर मैं ऊपर जो मेरा पी एक्स है और मैं ले लाँ छोटी डिग्री वाला, लाइक अगर मैं ले लाँ टू एक्स स्क्वायर ले लाँ, ठीक है, नीचे मैं ले लाँ कोई हायर डिग्री, मान लो टू एक्स की पावर फोर ले ली, चलो तो कैंसिल ही हो गया, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो कितना आ गया एक्स पावर माइनस टू आ गया, और एक्स पावर माइनस टू ये पॉलीनोमियल नहीं होता, ये पॉलीनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इस दी जी पावर है जी इसकी पावर है वो पावर की नहीं है माइनस टू, ठीक है। तो पॉलीनोमियल जैसे कभी भी डिग्री है वो नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, ठीक है, मिनिमम डिग्री पॉलीनोमियल की जीरो तो स्टार्ट होती है, जीरो फिर वन एंड सो ऑन, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है, पर नेगेटिव नंबर से अभी कभी भी डिग्रीज नहीं लेते पॉलीनोमियल। ओके सो इसका मतलब की हो गया, यह तो ट्रू नहीं है, सो हर एक रैशनल एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं होता, ठीक है। तो क्या आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर वन ए, ठीक है ना, सिर्फ वन है और ट्रू है, बाकी सेकेंड वाले ट्रू नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ हर टोटल मंथली इनकम रवि स्पेंड्स, अच्छा रवि हर हो गया हिज एंड हिज, ओके सो रवि है, रवि अपनी इनकम का 30% खर्च कर रहा है हाउस रेंट पे, ठीक है। चलो पहला से मान लेते हैं, शॉर्टकट ही है, शॉर्टकट रिकवर कराऊंगी, शॉर्टकट की है, तो मान लो कि रवि जी मंथली इनकम है, मंथली इनकम पूछी गई है ना, मान लो रवि की मंथली इनकम 100 रुपये है, ठीक है, पता नहीं क्यों 100 रुपये लेना क्वेश्चन बड़ी ईजी हो जाए, अगर रवि की मंथली इनकम 100 रुपये है तो इन्हें 30% खर्चता, देखो इतने मैं लिखते 30% ये मेरे एक्सपेंसिज हैं, ठीक है, तो मैं लिख रही एक्सपेंसिज, तो उसे मैं लिख रही सेविंग जो बच गया या फिर जो लेफ्ट ओवर है, ठीक है, सेविंग्स लिख रही इधर 30% मतलब कि 100 रुपये 30% ना हो गया 30 रुपये, मतलब कि 100 रुपये जो 30 रुपये उन्हें हाउस रेंट देता तो बचे किन्ने बच गए 70 रुपये, ओके सेविंग बच गई 70 रुपीज, हूँ इस तुम बाद उन्हें एंड 60% ऑफ द रेस्ट जो बच गया, ठीक है, उसका 60% उन्हें हाउस होल्ड एक्सपेंसिज खर्च करता, ठीक है, हूँ 70 का 60%, ठीक है, 60% उन्हें खर्च करता तो कितना होएगा, तो मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली 7 6 42, ठीक है, देखो डायरेक्ट कटा करो ऑलरेडी दो चीज़ें कैंसिल हो गया, ठीक है, किस तरह देखो 70 कटा 60%, ठीक है ना, तो डिवाइड बाय 100 करांगे ये कैंसिल हो गया तो कितने बचा है 42, ठीक है, तुम्हें डायरेक्टली 6 और 7 में मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि ये दो जीरोस तो 100 नाल कट ही जाने वाले थे। ओके हूँ बचा कि 42 जो कि बचा 70 जो 42 रुपीज का उन्हें खर्च थे हाउस होल्ड एक्सपेंसिज, हूँ बच कि गए माइनस कर दो बच गए 28 रुपीज उसके को बच गए, ठीक है, बट एक्चुअली जो बचे कि ये तो अभी 100 रुपये के हिसाब से कटे हैं ना, पर उसके एक्चुअली से बचे हैं 6300, 28 नहीं बचे, उसके बचे कि 6300 आप कंपेयर कर लेंगे,
ठीक है, मतलब कि 28 जिहड़ी यूनिट्स है ओह 6300 दे बराबर ले लिया, तां 1 यूनिट किहदे बराबर होएगी 6300 डिवाइडेड बाय 28, जो कि किन्ना आने वाला है कटिंग करके 225, ठीक है। इहदा मैं कढ लिया 1 यूनिट दी वैल्यू, ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀਗੀ 100 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਢੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 225 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 225,00, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਦਿਸ ਵਨ ਵਾਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ, उस बंदे दी मंथली इनकम एक्स ले लो, मंथली इनकम की ले लो एक्स, ठीक है। तो असी हूँ देखो एक्स च असी 30% का खर्च था, बट मैं खर्चा नहीं देखना क्योंकि देखो उन्हें सेव कितना करा है 6300, ठीक है। तो मैं अपनी मंथली इनकम जो सेविंग्स कढ़नी है, तो पहले तो 30% जो खर्च था तो सेविंग कितनी सी 70%, तो मैं उसे 70% सी तो 100 नहीं मैं 100 ना डिवाइड करता। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਆ ਗਈ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ 60% ਹੋਰ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੇਵ ਕਿੰਨਾ ਕਰਿਆ 40%, ਤੇ 40% ਕੱਢ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ 6300 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 225,00, ਸੇਮ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 6300 ਸੇਵਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕੱਢ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਉਲਟੇ ਲੈ ਲਏ ਨਾ 30 ਦੇ 60 ਦਾ ਉਲਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 225,00 ਉਸਦੀ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਆ। ਓਕੇ, ਈਜ਼ੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Here are four numbers. तो चार नंबर देते 0.05, ठीक है, 2.50 ते देता 7.54 ते 5.26। और कह रहे हैं कि दसो विच टू नंबर्स हैव सेम वैल्यू फॉर डिजिट 5। डिजिट 5 दी किस जगह ते वैल्यू सेम होएगी, मतलब कि वैसे सिंपल जी का तुसी सिर्फ की देखनी है कि केड़ी केड़े वाले लगे दो नंबर्स जेड़ा 5 ओ सेम जगह ते आ रहा है, जिस जगह सेम है तो मतलब उन्हां दी वैल्यू भी सेम होएगी। ਉਰੇ 5 ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ, ਉਰੇ ਵੀ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਸਮਾਲੈਸਟ ਆਫ 3 ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 5 ਹੂਜ਼ ਸਮ ਇਜ਼ ਗਿਵਸ 690 is, कहते तीन कंजैकेटिव, पहली गलत समझो कि क्या पूछ रहे हैं, 3 कंजैकेटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 की पूछा गया, तो की पूछा दिया गया तो 3 कंजैकेटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब कि 5 दे बिल्कुल नाल वाले तीन नंबर, जिमें मतलब टेबल लिखा 5 का, 5 आएगा फिर 10 आएगा फिर 15 फिर 20, है ना। सो जेडे मेरे 5 10, ये मेरे को ये मेरे तीन नंबर है जेडे, ये मेरे की हो गए, ये तीन कंजैकेटिव मल्टीपल्स हैं 5 के, ठीक है ना। अब टेबल लिख लिया, फिर एक मल्टीपल सारे लिख लिया, पहला मैं कंजेक्यूटिव मतलब बिल्कुल नॉर्मल वाले ले लेना। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट में x नाम दे दूं तो दूसरा की होगा मेरे को x प्लस 5, तीसरा मेरे को की होगा x प्लस 10 होएगा, है ना, यही होएगा। अब ये 5 प्लस करें फिर नेक्स्ट में और 5 ऐड करता, ठीक है ना। ये मेरे तीन कंजेक्यूटिव नंबर आ गए, मल्टीपल्स आ गए 5 के। हम पूछ रहे हैं कि तुम दसो कि स्मॉलेस्ट वाला केड़ा होगा, स्मॉलेस्ट वाला मल्टीपल पूछ रहे हैं कि केड़ा होएगा। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੂਜ਼ ਸਮ ਗਿਵਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 690 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ x ਪਲੱਸ 5 ਪਲੱਸ x ਪਲੱਸ 10 ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 690 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3x ਪਲੱਸ 15 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 690। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਐਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 690 ਮਾਈਨਸ 15, ਸੋ 3x is equals to 675, okay, so x is equals to 675 divided by 3, cutting kar do 225, x kina aa gaya mere ko 225,
5 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक ऐसा होगा कंसेप्ट कि किस तरह से इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनली कराया जाता है। इसका शॉर्टकट भी है जो कि तुसी सिर्फ 5 सेकंड्स से कर सकते हो। सो लेट्स लर्न शॉर्टकट ट्रिक। इस नो से पेपर से फटाफट 5 सेकंड्स से कैसे सॉल्व करना है। उसने करना कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तुसी देखो सोचो तानू दिता होया है कि 3 मल्टीपल दा 3 नंबर दा तानू सम दिता होया है 690 3 नंबर्स दा। अगर मैं 690 नू 3 नाल डिवाइड करा तां मेरे कोल किन्ना आ जाएगा 230 आ जाएगा। ए 230 मेरा विचुला नंबर आ गया, ये क्या आया मेरा मिडिल नंबर आ गया। ठीक है, तो इसको अगला नंबर की होएगा 225, पिछला की होएगा 235। ये मैं क्यों कराया, क्योंकि मेरे को 5 के मल्टीपल दिए हुए थे, तो इसको अगला नंबर 5 छोटा होएगा, पिछला नंबर 5 बड़ा होएगा, तो नंबर मेरे आ गए। तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर की आया मेरा 225 आया, जो कि पूछा है सी द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 इज, तो 225 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर ले सी 3 नाल डिवाइड करा तो पेपर वैसे मेरी मिडिल टर्म आएगी जो कि सीगे 2। ओ ही सेम कांसेप्ट में और लगाया, कुछ डिफरेंट नहीं सीगा, तो तुम कोई और नंबर लेके भी ट्राई कर लो। ठीक है, कोई और नंबर ले लो 10 11 ते 12 ले लो, इन्हें नु ऐड करो। ठीक है, इन्हें नु ऐड कर लो, फिर तुम डिवाइड कर लो सेम 3 नाल। एक्चुअली पता की कर रहे सी, ये ए ऐसी कांसेप्ट लगाया स्टैट्स दा, ए ऐसी मीन ही कट रहा है एक्चुअली। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दा मीन हमेशा होता मिडिल टर्म होती है। ठीक है, देखो मैं 3 नंबर ले रहा हूं ऐड करया, तुम उन 3 नाल डिवाइड करता, सम अपॉन नंबर दा मीन ही कड्या सीगा मैं। ठीक है, तो हमेशा 3 कंसेक्यूटिव नंबर दा मीन हमेशा मिडिल नंबर ही आंदी है, यू कैन चेक ऑलवेज। 107 क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज ग्रेटर देन 1/4। इंदे 1/4 तो इन एक्चुअल कड़ा डेसिमल वड्डा। सब तो पहला 1/4 डेसिमल जी चेंज कर लो, कितना आएगा है मेरे कोल 0.25। ठीक है, हुण असीं इन्हां नूं कंपेयर करना है, तां हमेशा कंपैरिजन दी एक चीज़ याद रखो। तुसीं क्या करो कि डेसिमल तो बाद जिन्ने भी डिजिट्स हैं उन्हां नूं सेम कर लो, मतलब कि सेम नंबर तक बनाओ। जिवें अगे अगर उरे 2 डिजिट्स हैं तां हर एक जगह 2 रख लो, जिवें उरे मैक्सिमम 3 है तां हर एक जगह 3-3 डिजिट्स रख लो। ठीक है, तां 3 डिजिट्स दा वाले एक 0 लगा दूंगी, उरे 2 जीरोस लगाऊंगी, ए भी 3 है ए भी 3 है, इहदे भी एक 0 लगा दांगी। हुण इन्हां नूं कंपेयर करना बहुत ईजी है। क्या है डेसिमल तो बाद दे नंबर्स देखो, सिर्फ अगे सीधे अगे 0 ही लग्या होया। 250 है उरे की है 200, तो 200 का छोटा ही है। मैंने पूछ रहे सीगे कि डेसिमल नंबर विच इज ग्रेटर दैन, जिहड़ा कि वड्डा होवे, असी इह कहना कि ऑप्शन जो वड्डा बड़ा केड़ा है, तो 250 है तो उरे किन्ना है 205, जे भी छोटा होया 250 दा बराबर ही हो गया, तो सिर्फ बड़ा मेरे कोल इक ऑप्शन है जो कि है 0.255, तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट ऑप्शन सीगा। ठीक है, ऑलवेज कभी भी तुम्हें इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कटना होंगे तो हमेशा क्या करो, डेसिमल तो बाद जिहड़े भी जिन्ने भी नंबर है उन्होंने सेम नंबर कर लो, मतलब कि सेम डिजिट्स तक ले जाओ, तो कंपेयर करना ईजी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट विल बी द रिजल्ट वैन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। यह एक इकलौता क्वेश्चन जिस मैं कहूँगी शॉर्ट ट्रिक ना लगायो, इस कोई शॉर्ट ट्रिक लगाने की लड़ नहीं है, सिंपल सिंपल बच्चे वाग इन सॉल्व करो। दो ये मेरे को है 8-5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, डिवाइड करा 55 नाल, शॉर्ट ट्रिक ना लगाया, फिर फस सकते हो। सिंपली डिवाइड करके देखो कि आएगा, पहले 1 दे जाएगा 55 आएगा। ठीक है, तो 0 आ गया, हम 1-5 चाह रहा है, 1 नाल तो गल नहीं बननी, 0 लगानी पेगी, फिर 4-5 आएगा 55, फिर 1 दे जाएगा। ठीक है, इसी तरह पैटर्न फॉलो कि हो रहा है मेरे को ऑप्शन नंबर डी का, तुम डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर दैन 41 एज इट इज लैस दैन 163। कहते एक नंबर है, कोई नंबर लगा लो एक्स, केंद्र ओह 41 तो उन्ना ही व्डा है जिन्ना 163 तो छोटा है। एक नंबर है 41 है, एक 163 है, जोड़ा नंबर है ना एक्स यह बड़ा है 41 तो, कि बड़ा है जिन्ना यह छोटा है 163 तो, मतलब कि इन्हों का डिफरेंस मैं सेम दिता हुआ है। 41 और एक्स का डिफरेंस, तो एक्स और 163 डिफरेंस कि है सेम है, डिफरेंस की है सेम।
कुछ याद आया डिफरेंस सेम तो असीं कुछ पढ़ते होंगे सी एपी असीं एपी करते हैं एपी डेफिनेशन क्या है कि कॉमन डिफरेंस इज सेम मान लो यार तीन नंबर है हूँ देखो एक ट्रिक लगानी है और ट्रिक बनी किस तरह ये देखो पहला मान लो यार तीन नंबर है ए बी ते सी अगर ये तीन नंबर ए पी छूंदा है तो इन्हों का कॉमन डिफरेंस सेम होंगे कॉमन डिफरेंस मतलब कि क्या मतलब कि बी माइनस ए करूंगी अगर मैं तो किस दे बराबर आएगा सी माइनस बी दे बराबर आएगा इसका मतलब क्या है कि ए और बी का जितना फासला है ना उन्ना ही फासला बी और सी च है ठीक है और इस चीज़ उन्होंने दी हुई है तो ही मैं करके ए पी का रिजल्ट लगा रही हूँ थोड़ी इन्हें सॉल्व करो बी इधर के ऐड हो जाएगा बी प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस ए तो टू बी कि आ गया मेरे को सी प्लस ए तो मेरे बी कि आ गया सी प्लस ए बाय टू ठीक है हूँ चलो तो सिर्फ बी मिसिंग है जो तुम कुछ ए सी भी मिसिंग हो जरा ए है तो जरा बी है तो जरा सी है ना हूँ कोई बी मिसिंग है बी का फॉर्मूला की बन जाएगा सी प्लस ए बाय टू तो एक्स कि आ जाएगा सी प्लस ए डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा ठीक है जो कि आ जाएगा मेरे को टू जीरो फोर आ जाएगा डिवाइड बाय टू ए कि आ गया वन जीरो टू ऑप्शन नंबर ए आ गए अच्छा अगर तुम सपोज करो तो सी मिस कर देंगे फिर भी आप फॉर्मूला का ही यूज करना ठीक है सो ये याद कर लो फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला की हो गया अगर थोड़े कोई भी दो नंबर तीन नंबर सॉरी अगर वो एपी च होंगे है तो ए वाली कंसैप्ट यूज करना है बी इज इक्वल टू सी प्लस ए बाय टू एपी च दो नंबर कदों होंगे अगर वह कॉमन डिफरेंस की होंगे सेम कॉमन डिफरेंस इज सेम इन एपी ठीक है एक क्लास टेंथ का कंसैप्ट है अपने को ओके सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर्स आर इन रेशो फोर रेशो फाइव रेशो सिक्स रेशो के साइन हटाने लिए मैं की लिखूंगी फोर एक्स फाइव एक्स ते सिक्स एक्स और बोल रहे हैं द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर सम लेना है कितना लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दस ठीक है लार्जेस्ट बिल्कुल सिक्स एक्स है स्मॉलेस्ट बिल्कुल किया है फोर एक्स इनका सम लेना है और किस दे इक्वल है इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड नंबर एंड फोर्टी फाइव थर्ड नंबर जेड़ा पर बच गया थर्ड नंबर मतलब कि फाइव एक्स ते नाल फोर्टी फाइव इन्हें सॉल्व कर लो सिक्स प्लस फोर टेन टेन माइनस फाइव इधर आ गया फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव एक्स कितना आ गया मेरे को नाइन और मैंने पूछा कि गया है और पूछ रहे हैं तो लार्जेस्ट नंबर इज सब तो बड़ा नंबर की होगा तो सब तो बड़ा नंबर मेरे को सिक्स एक्स है तो सिक्स मल्टीप्लाई नाइन कितना आ गया फिफ्टी फोर ऑप्शन नंबर बी देखो सारे क्वेश्चन किन्ने ही ईजी हैं जो तुम अपने कंसैप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो तो सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कर सकते हो ठीक है थोड़ी जी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो और कुछ नहीं ओके सो द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय फाइव सिक्स सैवन एंड एट यानी एक ऐसा नंबर लो जिसनों असी फाइव नाल सिक्स नाल सैवन नाल ते एट नाल डिवाइड करिए रिमाइंडर कि आ जाए मेरा थ्री आए ठीक है देखो एक ऐसा नंबर जो कि सब टेबल चाह रहा है मेरा मतलब तो यही है कि जो इन्हें एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है जो अगर ऐसा कोई नंबर सब डिवाइड कर रहा है इसका मतलब कि है ना वो इन्हें टेबल च भी आ रहा है तो मतलब सन कह रहा है कि एलसीएम फाइंड करो एलसीएम फाइंड करने को कहा जा रहा है ठीक है अगर वो एलसीएम फाइंड करने लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब वो एग्जैक्टली डिविजिबल होएगा बट उन्होंने ना तो एक गल कहती कि रिमाइंडर थ्री भी हो रिमाइंडर की हो थ्री हो तो असं की करा सीधा एलसीएम कट के रिमाइंडर थ्री को ऐड कर देंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है मेरे को आता है एट फोर्टी अगर मैं रिमाइंडर ऐड कर दा तो कि आ जाएगा एट फोर्टी थ्री आ गया तो यह तो असं गल पूरी करती इन्हों की बट उन्होंने अगर एक होर चीज़ कहती एक बट लग गया अगे वो की लग गया कहते वैन डिवाइडेड बाय नाइन लीव नो रिमाइंडर कि पर लेकिन जो अभी इस नंबर को डिवाइड करें नाइन नाल तो कोई रिमाइंडर ना आए तो मैं चेक करना है कि क्या यह नंबर नाइन नाल डिविजिबल है कि नहीं है जो मैं चेक करा तो एट फोर ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन नो फिफ्टीन का नाइन डिवेल्च आता ही नहीं तो यह डिविजिबल नहीं होया तो मेरा ऑप्शन वन एट फोर्टी थ्री तो नहीं है हूँ असं नैक्सट मल्टीपल चेक करा देखो यह लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना इस तो नैक्सट कॉमन मल्टीपल की आएगा इसका ही अगला मल्टीपल होएगा ठीक है ना एट फोर्टी का नैक्सट मल्टीपल होएगा तो इसका नैक्सट मल्टीपल कि होएगा एट फोर्टी मल्टीप्लाई बाय टू कि आ जाएगा जीरो एट सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन एटी आ गया ठीक है हूँ यह तो मेरे को आ गया मेरा एलसीएम का लीस्ट मल्टीपल है ना नैक्सट मल्टीपल बट थ्री एड तो करना है ना क्योंकि वी वॉन्ट रिमाइंडर थ्री तो कि आ जाएगा वन सिक्स एट थ्री हूँ असं ये चेक करना है कि क्या यह नाइन नाइन डिवाइड हो रहा है जी ए भी नंबर नाइन डिवाइड ना हो फिर अभी फिर तो नैक्सट नंबर पर जावे बट लकीली ये नंबर हो रहा है कि देखो सिक्स वन एट वन नाइन हो गया सिक्स थ्री नाइन तो इतना डिवाइड हो गया एटीन आ रहा है सामने का तो यह एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया
ठीक है, कंसेप्ट सीख गए तुम समझ लेना बड़ी अच्छी गल है, बट लेकिन तुम कहोगे कि मैम इन शॉर्टकट से किए करना है, जल्दी जल्दी से किए कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हर एक वीडियो से एक बार कहती है हाउ टू डू क्वेश्चन इन 10 सैकेंड 5 सैकेंड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी असं 5 सैकेंड से कर सकते हैं, यस ओनली 5 सैकेंड्स। अगर असं इन्नी गल भूल जाइए जो कि ऊपर लिखा हुआ है ये सब छोड़ दो, सानू एक यह गल कही हुई सी क्वेश्चन में कि ऐसा नंबर लवो वैन डिवाइडेड बाय 9 लीव नो रिमाइंडर, मतलब कि सू कह रहे थे कि ऑप्शन जो एक ऐसा नंबर लवो कि जिन 9 नाल डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या आवे, जीरो, कुछ भी ना आवे, तो सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना सीगा इन नंबर से। देखो इससे लगाओ 8 4 12 12 तो 9 नाल डिवाइड होंगे नहीं होंगे, नेक्स्ट करो है ना 8 1 9 9 5, ठीक है ए भी डिवाइड नहीं होया, ओके नेक्स्ट 8 4 12 12 3 15 ए भी डिवाइड नहीं होया, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सीगा जेड़ा कि एग्जैक्टली 9 नाल डिवाइड हो रहा सीगा, तो कुछ करने की लोड़ नहीं सीगी, सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ एंड बिंगो योर आंसर इज देयर, ठीक है ईजी सीगा ना। हर एक क्वेश्चन एक शॉर्ट ट्रिक होंगी है, थोड़ा सा तुम सोचना पड़ेगा, ठीक है थोड़ी जी प्रैक्टिस दी नीड है। A batsman makes a score of 78 to 7 runs. If batsman's score बढ़ाया 87 runs का in 17 innings, 17th innings, 17वीं बारी चुनी बढ़ाया है स्कोर, and thus increases average by 3, क्योंकि average जो भी पहला सीगी उधर average से तो वाद गई। Find his average after 17 innings. The so क्यों इंक्रीज average है, ये वधी हुई average हो किसी है? देखो मैंने तो नहीं पहली average भी इन दूसरी भी किन्हीं है, तो अगर let कर लें दें, तो जो let कर लो। कि 16 जेडे मैचेस हो रखे हैं, जेडे 16 मैचेस वो खेल चुके हैं, ठीक है ना, उस चो दी जेडी एवरेज सीगी वो एवरेज उन्हें किन्नी लिती, x लिती, सो 16 मैचेस दी एवरेज किन्नी है मेरे को हुण x है। हुण देखो ये एवरेज है तो उसने 16 मैचेस से रन किन्ने बनाए होंगे, एवरेज नु मल्टीप्लाई कर दो नंबर नाल, मतलब कि 16x, समझ नहीं आया 6x क्यों लिखा, देखो जे समझ नहीं आता देख लो, ठीक है मेन दा फार्मूला की हुंदा है सम, देखो मेन एवरेज एको गल है, ठीक है ना, मेन एवरेज इज वन ऑफ द सेम थिंग, सम अपॉन नंबर यही होंगे ना। हुण देखो ये 16 मेरा नंबर सीगा, 16 मेरा की सीगा नंबर, ते मैंने एवरेज दी हुई सीगी x, तो x मल्टीप्लाई बाय जे मैं नंबर ना कट दूंगी तो सम ही आ जाएगा, सम मतलब कि सम की होंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कि उन्हें किन्ना वाला स्कोर सीगा, मतलब वही आ जाएगा ना, सो 16x आ गया। यह 16x मेरे को क्या आ गया, यह आ गया मेरे को स्कोर ऑफ 16 मैचेस, ठीक है, उन्हें 16 मैचेस विच 16x स्कोर बनाया। हुण उन्हें 17वीं बारी विच 87 रन्स होर बना ले, ठीक है, जे मैं हुण अपने 16 मैचेस दे स्कोर च 17वीं बार दे स्कोर भी ऐड कर दूंगी, ठीक है, ये मेरे को कई मेरे को की आ गया, हुण ये मेरे को आ गया टोटल स्कोर्स, ये मेरे को की आ गया टोटल स्कोर्स ऑफ 17 मैचेस है ना आगे। हुण अगर मैं इसका मेन कढ़ना हो गया, मेन कढ़ना हो गया तो की होगा, ये तो आ गया सम अपॉन नंबर, नंबर मतलब कि 17 मैचेस का नंबर, ठीक है, ये मेरे को आ गया मेरा नवा मेन, मेरा पहले वाला मेन कितना सीगा, मेरा पहला वाला मेन सीगा एक्स है ना, जो मेरा पहला वाला मेन सीगा वो मैं एक्स लिया सीगा, देखो ये मेरा न्यू मेन है एक्चुअली है ना, न्यू मेन, तो न्यू मेन मेरा कितना होगा है ना ओल्ड मेन है ना विच क्या ऐड कर दूंगी मैं, देखो हुण मेरे उन्होंने कहा सीगा कि जी मेरी एवरेज है वो इनक्रीज होगी 3 नाल, मतलब कि एक्स प्लस 3, ठीक है, ये मेरी बन गई एक इक्वेशन, क्या बन गई x plus 3 is equals to 16x plus 87 divided by 17, तो जी उन्हें सिंपल जी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके आपके को x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके को 36, तो इसका मतलब क्या, तुम्हारी जी पुरानी एवरेज से कितनी आ गई 36 आ गई, हुण तुम्हारी एवरेज बढ़ चुकी है ना 3 नाल बढ़ चुकी है, तो मतलब कि आंसर कितना आएगा 39। सर मैंने पूछा क्या गया सीगा, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग, सारे वाले तो बाद एवरेज पूछिए, मतलब कि ना तो ऐड दो नए एवरेज पूछिए, जब ये पूछा आंदा कि एवरेज ऑफ 16 इनिंग्स का आंसर होता 36, जब पूछा गया 17 का तो आंसर कितना हो गया बी 39, ठीक है, आई होप तो समझ आ गया, इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट अस और मैसेजेस ऑन टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव, वेरी इजी क्वेश्चन, एक स्केयर की किन्नी लाइनस ऑफ सिमेट्री होंगी है, सिमेट्री का मतलब की है, जो मान लो मेरे कोई लैटर हैगा एम, ए एम लैटर पाया, अगर मतलब कि मैं इस लैटर एम विच मैं किस किस डायरेक्शन में किन्नी किन्नी लाइनस मैं खिंच सकती हाँ ताकि यह बिल्कुल सिमेट्रिक लावे, जिमें कि एम की सिर्फ इक्वल सिमेट्री है, क्यों अगर मैं इसको सिर्फ पूरे एक्स तरह डिवाइड करूंगी तो यह सिमेट्रिक लाया दोनों पास ना, यदि मेरे इमेज बन रही है,
ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ m ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ m m ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋਈ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ b ਲੈਟਰ ਲੈ ਲਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ b ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ b ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਗਾਵਾਂ ਇਧਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਨਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਿਮੈਟਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਆਏਗਾ 1 ਇਹ ਮੇਰੀ 1 ਇਹ ਮੇਰੀ 2 ਇਹ 3 ਔਰ ਇਹ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀਆਂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1 2 3 4 ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੀਟ ਲਓ ਹਨਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੇਪਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਈ ਲਾਈਨਸ ਫੋਲਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਮੈਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਲਾਸ 8 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਫ ਦ 3 ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ be produced in order then the sum in degree of all exterior angles so formed is dekho वैसे तो ये गल सिर्फ ट्रायंगल दी हुई है और पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल दे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ओ हमने 360 डिग्री ठीक है ये फिक्स्ड है वैसे सिर्फ गल ट्रायंगल दी हुई है पर चाहे तुसी रेक्टेंगल ले लो ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਓ ਰੋਮਬਸ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਲੈ ਲਓ ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ 360 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਛਾਪ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਗਨ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ 10 ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਹੋਏਗਾ 360 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਆਲਵੇਸ ਓਕੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਓਕੇ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਬਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੁਝ ਬੜਾ ਵੱਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ 0 1 2 3 ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 1 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 1/2 ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆਊ ਵੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨੋ ਹੁਣ 1/2 ਦੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਅਗੇਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚੱਕੇ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਕਰੰਟ ਬਾਈ 2 ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 1/2 ਇਹ ਕੀ ਹੈ 2 ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ 3 ਵਾਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ 2 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ a ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ b ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ c ਇਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਡਿਵਾਈਡਡ ਸੌਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ b ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ c ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 3 ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ d ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਫ ਦਿਸ ਓਕੇ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ 5 ਯੂਜ਼ਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਦਾ
5 यूजेस ना जिवें कि 5 फिंगर्स 5 अनफिक्स क्यूब अने सारे एग्जांपल्स दितिया तो वह एग्जांपल देख के बच्चे नु क्या दसना चाहिए क्या बच्चे जे डेवलप करना चाह रही है लॉजिकल रीजनिंग रिप्रेजेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन या फिर विजुअलाइजेशन ठीक है ना तो इसका आंसर की है रिप्रेजेंटेशन ठीक है वो मतलब क्या एक रिप्रेजेंटेशन करके बच्चे ने दिखा रही है कि किस तरह से बच्चे जनु रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है वैसे बच्चे विजुलाइज की पावर भी आ रही है बच्चा देख भी पा रहा है मतलब विजुलाइज कर पा रहा है कि 5 का की मतलब एक्चुअली 5 का की मतलब है यूज के ठीक है सो मैं तो 10 आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर की सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की है एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट कहते हैं सीधे नीचे स्टेटमेंट जरा एनालाइज करो कि की है सच है अजम्पशंस है रियलिटी है कि मिथ है ठीक है ये अजम्पशन मतलब कि असि खुद तो मनया होया है ना ये सच है या फिर ये एक मिथ है मतलब कि झूठ है ठीक है तुझे दसना सम चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न मैथ्स कुछ बच्चे मैथ्स नहीं लर्न कर सकते नहीं बिल्कुल भी नहीं है तो बिल्कुल गलत है हर कोई बच्चा मैथ्स नू लर्न कर सकता है जे अच्छा टीचर मिल जाए उन्हें ठीक है ना जो टीचर उसको एक सही गाइडेंस दे सके सो ये तो ऑप्शन गलत है ये तो एक मिथ ही होया रियलिटी तो नहीं है ये असं रिज्यूम भी नहीं करे हुआ कहते मान के चल रहे हो कि हाँ ये बच्चे मैथ्स नहीं होता ना वी कांट अज्यूम दीज थिंग्स रियलिटी भी नहीं है तो ये मिथ हो गया ठीक है टाइम वेस्ट तो ना करो तुम सारे ऑप्शन पढ़ने की लड़ नहीं जो पहले ही मिथ साबित हो चुका है जो पेपर तुम थोड़े फ्री हो पढ़ सकते हो जो टाइम की कमी है तो ना रीड करो ठीक है आई विल वेट फॉर यू बॉयज लर्न मैथमेटिक्स बैटर दैन गर्ल्स की बॉयज अच्छे होंगे मैथ्स पढ़ने ये गल गलत है ना सब तो अपनी फेमस मैथमेटिशियन कौन रही है शकुंतला देवी ना शी वॉज नोन एज द कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर तो एक गर्ल ही सी सो तो मिथ हो गया झूठ हो गई ये गल झूठ प्रूफ करती So, poor children and children from underprivileged groups cannot learn maths. जिहड़े गरीब बच्चे maths नहीं पढ़ सकते नो obviously नो सारी चीज़ें गलत है American children have less abilities than Asian. ये भी गलत गल है कोई गलत सच नहीं है ठीक है जस्ट डिपेंड अपॉन तुम कि सीख सकते हो कंसैप्ट किन्ने स्ट्रॉग है मैथ सिर्फ उससे डिपेंड कर दिया है मैथ इज जस्ट अबाउट सम कंसैप्ट है एक सिर्फ कंसैप्ट ही है मैथ और कुछ भी नहीं है मैथ्स मैथमेटिक्स लर्निंग डिसबिलिटीज आर कॉमन हाँ कहते हैं कि बहुत कॉमन है कि बच्चे मैथ्स नहीं सीख पाते लोग ठीक है मैथ्स को सही तरह सिखाया ही नहीं जाता बच्चे इसलिए मैथ सीख नहीं पाते ऑप्शन नंबर सी एक सारे सारे मिथ्स हैं झूठ गल्ला ने नेक्स्ट अ स्टूडेंट हु वॉज आस्क्ड टू वैल्यूएट 45 माइनस 15 फाइंड्स यानी एक बच्चे को कहा गया कि तुम ए माइनस करो तो बच्चे ने क्या कराया 15 प्लस 5 उसने कुछ स्टेप्स करे उसने कुछ स्टेप्स करे फिर उसने क्या किया कि 45 माइनस 15 की होंगे 30 होंगे ये स्टेप्स करने तो बाद ठीक है इन दिस एम्फसिस इज ऑन कहते हैं जो मतलब ध्यान है एम्फसिस है वो किस गल बारे मतलब कि ध्यान दे रहा है फॉर्मल एल्गोरिदम इन मैथ्स इनफॉर्मल एल्गोरिदम इन मैथ्स रिलेशन अंडरस्टैंडिंग इन मैथमेटिक्स प्रोसीजर नॉलेज इन मैथ्स तो कहते हैं कि ये की चीज़ा सच हो रही है तो यह है सेकेंड एंड थर्ड एक तो गल की है कि बच्चा जोड़ा है ना वो रिलेशन बना पा रहे चीज़ों में उसने पहले की किया जोड़ के ना 40 बनाया तो उन्होंने की किया कुछ नंबर जोड़िया तो पहले 40 बनाया उस तो बाद उन्हें 5 ऐड कर फिर उसको बने 45 फिर बाद चो माइनस कर रहे अपना फर्स्ट वाला नंबर जो कि सीगा अपने को ठीक है सो या इसमें असं इनफॉर्मल एल्गोरिथम भी कहते हैं कि कोई स्टेप्स तो ना हो मैथ से एवं तो कोई भी नहीं करता था ये फॉर्मल तो नहीं है ये इनफॉर्मल है अपने दिमाग से कुछ कुछ सोच रहा है इनफॉर्मल एल्गोरिथम है ठीक है सो ये उन्हें का आंसर सीगा बी आंसर सीगा अकॉर्डिंग टू द आंसर की जो कि दिखती गई सी गवर्नमेंट के द्वारा पंजाब बोर्ड के द्वारा सो नेक्स्ट की है व्हेन वी एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर टीचर टीचिंग मैथमेटिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कंटेंट्स आर एम्प्लॉयड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कंटेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन कहते कि असं एक क्वेश्चन बनाया है ये कोई प्रॉब्लम है दसो वो प्रॉब्लम की है ठीक है ना मतलब कि वो जो सिचुएशन है वो किस तरह की है ओके X has some balls. X पर कुछ balls हैं. If X has 5 more balls than Y has 7 balls. How many balls X have? Sorry, इस चीज़ का problem नहीं है. पर ऐसे दस्त हैं कि ये किस तरह का content है. Content है, sorry. So, is the option सीखा. Hypothetical setting. ठीक है, pedagogy है. तो ये है, पढ़ी होएगी अपने B.Ed. which या फिर ETT के दौरान. So, 120. प्री नंबर कंसेप्ट आर इंपॉर्टेंट टू प्री नंबर कंसेप्ट जरूरी क्यों है ठीक है मतलब कि नंबर सिखाने से पहले बच्चे कुछ चीज़ें सिखानी जरूरी क्यों होंगे ने ठीक है अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन समझने लिए नो इंजॉय मैथ्स
बिल्डअप नंबर कंसैप्ट डू अर्थमैटिक ऑपरेशन का ऑप्शन की सीगा ऑब्वियसली बच्चे दे नंबर कंसैप्ट नु पहले बढ़ाने लई असी सिखावांगे ठीक है ना कुछ नंबर देवांगे ना नॉलेज देवांगे तो ओके सो दैट्स इट गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय